आज निनाद दादा भी होते हो तो कितना अच्छा होता। रिटायरमेंट से पहले भी अपने मिशन और अपने पोस्टिंग की वजह से दादा अक्सर दिवाली के टाइम में घर से बाहर होते थे, तब तो हमने आदत डाल ली थी, लेकिन आज उनकी कमी बहुत खल रही। खरज वहनी, ये बात तो है। मैंने भी सोचा था कि सम्राट के लौटने के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ दिवाली मनाएगा, लेकिन निनाद को अपने दोस्त की वजह से जाना पड़ा। वहनी, मैं अभी अभी निनाद से फोन पर बात करके आ रही हूँ। निनाद आप सबको बहुत याद कर रहे हैं और उन्होंने आप सब के लिए दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। बड़ी मामी, इस घर में सब लोग मौजूद हैं, सिवाय इस घर के स्टार कपल के। लगता है सही विराट के रूम कमरे कक्ष में शिफ्ट हो गई है, शायद इसलिए उसका रूम से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। सोनाली काकू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोल के देखो ना, ये लोग सब फिर से सही को तंग करने लगे। सोनाली, क्यों मेरे बच्चों के बारे में ऐसी बातें करती रहती हो? अरे बड़ी हो ना, कम से कम बातों का तो लिहाज किया करो। जब देखो मेरे बच्चों के ऊपर विशेष टिप्पणियां होती रहती। इस घर में और भी जोड़ियां हैं, उनके बारे में तो कभी ऐसी बातें होती नहीं है। क्योंकि आपके बहू और आपके बेटे जैसे इस घर में कोई दूसरी जोड़ी नहीं है ना अश्विनी बहनी। काकू, मैं उनको बुलाकर आता हूँ। हाँ मोहित, जाओ जल्दी बुलाकर ले आओ। पूजा शुरू होने में अभी वक्त है ना, तब तक आ जाएंगे वो, किसी को उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। अंदर तुम जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और बाहर वो लोगों से। उस दिन मैंने महसूस किया कि विराट तुम्हारी हद से ज्यादा परवाह करता है। तुम्हारे बिना मेरा परिवार अधूरा है। सही, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था उस समय क्या तुम दोनों दोस्त थे? गौर से सोचोगी ना तो तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। विराट सर तुम्हारी परवाह क्यों करते हैं? आज कमरे में वापस जाते ही मैं सबसे पहले विराट सर से बस यही पूछूंगी कि क्या वो मुझे बस एक दोस्त के जैसे चाहते हैं या एक पत्नी की तरह प्यार करने लगे हैं। कहाँ जा रहे हैं विराट सर? सही, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखकर तुम्हें शॉक लगा हुआ, लेकिन डीआईजी सर ने जो मुझे न्यूज दी है अभी अभी, वो भी किसी शॉक से कम नहीं है। मुझे अभी के अभी एक मिशन के लिए निकलना होगा। अचानक से कैसे मिशन? मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, सही जाना तो पड़ेगा। इंतहा हो गई इंतजार वेट प्रतीक्षा की, हो ना? हद हो गई, कितना इंतजार करना पड़ेगा इनका। देखना वहनी, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी विशेष मेहमान, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहे हैं। ये लड़की ना हर काम में देरी करती है। वहनी, सही बस विराट के रूम में शिफ्ट ही हो रही है ना, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना, बस आते ही होंगे दोनों। शुक्र है इस जंगली मुलगी को थोड़ी अक्ल तो आई। बड़ी मामी, सही में अक्ल तो बहुत है,
लेकिन उसे बहुत अच्छे से पता है कि घर के फंक्शन में सबका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना है। लेकिन कोई प्रायर नोटिस नहीं, ऐसे अचानक से। सही, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो और एक आईपीएस की पत्नी, तुमसे बेहतर ये कौन जानता है कि ये सब अचानक ही होता है। चलता हूं, ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है। लेकिन अब कहां जा रहे हैं और कैसा मिशन? विराट, मुझे तुम्हें प्रोटोकॉल समझाने की जरूरत नहीं, यू आर माय बेस्ट ऑफिसर, लेकिन इस मिशन की डिटेल्स काफी कॉन्फिडेंशियल। एक बार ड्यूटी पर रिपोर्ट करोगे तो सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एक बात और, ये मिशन ऑफिशियल जरूर है लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा पर्सनल हो सकता है। एक बात याद रखना, एक पुलिस ऑफिसर के लिए उसकी ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरे पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है सही, लेकिन अगर होती भी तब भी मैं तुम्हारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाता। सही, ऐसे मिशन्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं और मैं जानता हूं कि तुम ये सब बखूबी समझती हो। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। दिवाली की पूजा का क्या? अब पूजा करके तो जाएंगे ना, ये हमारी पहली दिवाली है साथ में। मेरा मतलब ये मेरी पहली दिवाली है ना परिवार के साथ, और सम्राट दादा भी हैं और आप जा रहे हैं मुतक। मैं जानता हूं सही, लेकिन क्या करूं मैं, मेरे पास पूजा तक रुकने का भी वक्त नहीं है। सही, तुम यूं समझ लो कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मोदक छुट्टियों पर गया है, उसे छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। सही सही, क्योंकि अभी आईपीएस ऑफिसर विराट जवान की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मुझे आपसे कितने सारे सवाल पूछने थे मोदक, लेकिन आप तो जा रहे हैं। अब इसमें रोने वाली क्या बात है सही? तुम मुझे कामयाब पुलिस ऑफिसर बनता हुआ नहीं देखना चाहती? तुम्हें मुझ पर गर्व नहीं है? है, मुझे आप पे बहुत गर्व है, लेकिन अब हमारा क्या? हमारा? सही, हम हमेशा साथ रहेंगे दोस्तों की तरह। हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी मुझे पुलिस वाला होने की जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में सोचने की जरूरत है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे आबा मेरे गुरु कमल सर अपने फर्ज से पीछे हटते?